बर्थ कंट्रोल पिल मींस गर्भ निरोधक गोलियां, क्या ये आपके जो है सो प्रेगनेंसी रेट, जिस तरह से आप प्रेग्नेंट होते हैं उनको इफेक्ट करती हैं कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है हर उस औरत के लिए जो गर्भ निरोधक पिल पे होती है। तो गर्भ निरोधक पिल ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम करती हैं, बिकॉज आप, वो एक हार्मोनल चीज़ है जो आप ऊपर से ले रहे हो, वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है। तो जब भी कोई चीज़ नेचुरल नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल डोज में, और उसको कुछ लोग ही लिख सकते हैं, कुछ लोग आपको बता सकते हैं कि इसे लेने की ज़रूरत है कि नहीं। तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको बताएंगी कि क्या आपको PCOD, एंडोमेट्रायसिस, इन सब चीज़ों के लिए, या बहुत बार फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है फिर फर्स्ट और सेकंड बच्चे के बीच में दूरी रखने के लिए आपको जो गर्भ कंट्रोल, गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो कितने दिन खानी चाहिए, और इनको खाने से इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ पे होते हैं, जैसे आपके मूड पे होते हैं, आपके वजन पे होते हैं, बिकॉज ये हॉर्मोन्स हैं जो आप ऊपर से ले रहे हैं। पर अगर इनको कंट्रोल तरीके से लिया जाए तो ऑब्वियसली इनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हैं, और लॉन्ग टर्म इनको लेने से ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप अनकंट्रोल्ड इनको ले रहे हैं। तो आप लो उसको, लेकिन किसी के स्पेसिफिक गाइडेंस के अंदर लीजिए।